और चलिए बात करेंगे अब सिंहासन की। तो देखिए भाजपा का मिशन राजस्थान लगातार जारी है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे हैं प्रहलाद जोशी के आवास पर। सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं। आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव पर बैठक में चर्चा होगी, लेकिन नजर राजस्थान पर है। वो इसलिए क्योंकि एमपी और सीजी यानी छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सूची एक सामने आ चुकी है, हालांकि एमपी में दो सामने आ चुकी हैं, लेकिन राजस्थान की एक भी सूची अभी सामने नहीं आई है। इस पर हर किसी की नजर है। एक तरफ दावेदारों की धड़कन बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ मंथन भाजपा में चल रहा है और तमाम तरीके से कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कयास हैं। अब देखना ये होगा कि इस सीसी की बैठक के बाद क्या पहली सूची जल्दी आ जाएगी या फिर श्राद्ध के बाद आएगी या फिर नवरात्रि में आएगी, लेकिन मंथन के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि यही जो सीसी की जो बैठक है इसी में सब कुछ फाइनल होगा। जो दावेदारों के नामों का पैनल तैयार हुआ है वो पैनल इस बैठक में रखा जाएगा और उन पैनल में से एक नाम पर मोहर लगेगी जिसको जहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, और उस जब बाकायदा जब लिस्ट सामने आ जाएगी तो एक मैसेज सभी को कि अब आप पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में जुट जाइए, प्रचार में जुट जाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। लेकिन आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, क्योंकि मंथन कई दौर का हो चुका है, बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट की बारी है। एक तरीके से जो पैनल आए हैं दावेदारों के, जो पैनल तैयार किए गए, क्योंकि सर्वे भी कई हो चुके हैं, इंटरनल सर्वे भी भाजपा ने करवाए हैं, हालांकि एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन सर्वे किए गए हैं। अब देखना ये होगा किस तरीके से कहां से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाता है, और साथ ही साथ इस पर भी हर किसी की नजर है कि कौन सी कैटेगरी की सूची सबसे पहले जारी होती है, क्या मजबूत वो कैंडिडेट की सूची होगी, मजबूत सीटों पर जिन कैंडिडेट को उतारा जाएगा क्या वो पहली सूची में नाम शामिल होंगे, या फिर जो कैटेगरी डी है जिसको कमजोर सीट रखा गया है उस सीट पर प्रत्याशी को उतारा जाएगा। लेकिन कहां से कितने मजबूत कैंडिडेट को कौन पार्टी उतारती है इस पर हर किसी की नजर। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि दावेदारों के मन में सिर्फ यही चल रहा होगा कि कब सूची आए और कब किस तरीके से किसका नाम कहां से कैंडिडेट का क्लियर कर दिया जाए, लेकिन ये अब एक तरीके से निर्णायक की घड़ी आ चुकी है, दावेदारों के नाम का ऐलान होना है और इसीलिए सीसी की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। क्या जानकारी ऐश्वर्य? देखिए, उससे पहले की कसरत कल से लगातार जारी है। भाजपा के जो तमाम दिग्गज हैं वो दिल्ली में हैं। कुछ एक नेताओं को और बुलाया गया है। अभी जो सूचना आई है वो सतीश पूनिया की आई है। सतीश पूनिया भी थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे, जो कि जयपुर में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। तो कहा जाए तो पहले से ही सीपी जोशी वहीं पर मौजूद है, राजेंद्र राठौड़ रवाना हो गए थे, वसुंधरा राजे कल दोपहर बाद से लगातार वही है। तो ये सारे लीडर्स हैं, इनकी लगातार वहां पर बैठकों का दौर और सिलसिला चल रहा है। प्रहलाद जोशी के साथ मंथन हो या फिर पाला कमान के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा हो, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, क्योंकि होमवर्क करने के लिए अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने जिस दिन वो जयपुर आए थे उस दिन दो टूक निर्देश दिए थे कि आप अपने माध्यम से भी होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि होमवर्क करने के बाद जब ये प्रधानमंत्री मोदी के पास ही पूरी लिस्ट जाएगी तो उसके बाद इफ बट नहीं होना चाहिए, और जो कैंडिडेट को लेकर सहमति बने फिर उसके बाद उसे जिताना ही है, और जो भी कैंडिडेट होंगे वो पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, ऐसा ना जोड़कर देखा जाए कि ये इसके करीबी है या ये इनके करीबी है। कि तो इन सब चीजों को लेकर लगातार मंथन का दौर चला है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दो या चार नेताओं ने बातचीत की हो, जो प्रमुख नेता है उनसे भी बातचीत की गई है, सांसदों से भी रायशुमारी की गई है, जिलाध्यक्षों से भी की गई है, और तमाम रायशुमारियों के बाद अंततः ये स्थिति पैदा हुई है कि अब पहली लिस्ट है जो कि ए और डी ग्रेड की लिस्टिंग जिन्हें माना जाता है उनकी जो घोषणा है वो देर शाम तक होने की पूरी उम्मीद है या फिर दो दिन बाद हो जाएगी। यदि श्राद्ध पक्ष का
को लेकर किसी तरीके का कोई समस्या ना हुई तो ये लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि अमूमन श्राद्ध पक्ष में लिस्ट जारी नहीं होती है ऐसा माना जाता है, या कई बार शुभ कार्य जिन्हें माना जाता है वो नहीं होते हैं, लेकिन जो सतत प्रक्रिया है वो भी की जा सकती है। यदि श्राद्ध पक्ष का लफड़ा नहीं हुआ तो जल्द से जल्द ये लिस्ट जारी होगी, अन्यथा नवरात्र में ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी। सूचना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दौरे हैं, कल चित्तौड़गढ़ में है और उसके बाद 5 तारीख को जोधपुर में है। ये दोनों दौरे जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद भी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि कई बार लिस्ट जब आती है और बड़े नेताओं के दौरे होते हैं तो जो नाराज कुछ कार्यकर्ता होते हैं उनको मनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में मशक्कत ना करनी पड़े इसलिए 5 तारीख के बाद की डेट भी मानी जा रही है। दीपिका बिल्कुल अशर, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि सीईसी की बैठक से पहले भी क्या कोई बैठक होने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि कल भी लगातार बैठकों का दौर जारी था। देखिए कोर टीम की बैठक जो है वो लगातार जारी रहेगी, मेरे पास जो सूचना है ओम प्रकाश माथुर को जो राजस्थान की गहरी जानकारी है, कोर टीम के सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। हालांकि भूपेंद्र यादव जो है वो मध्य प्रदेश में व्यस्त है, वहां के चुनाव प्रभारी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनसे राय मशवरा ना किया जाए। तो ऐसे में सभी पक्षों के लिहाज से बातचीत करके, हो सकता है 4 नेता एक साथ बैठते हैं लेकिन उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से जो नेता अनुपस्थित है उनसे बातचीत भी कर ली जाती है और नाम तय कर लिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में टिकट घोषणाओं में कई दिक्कत है, जैसे कहीं पर कोई जिताऊ है लेकिन सेकंड नंबर जो नाम है पैनल में फर्स्ट नंबर पे किसी बड़े नेता का है और सेकंड नंबर पे दूसरे का है, तो कई बार सेकंड नंबर वाले को कंसीडर इसलिए कर दिया जाता है कि आसपास के 2 विधानसभा क्षेत्रों में या 3 में या 4 में इफेक्ट डालने वाला का अगर कैंडिडेट है उस जाति से ताल्लुक रखता है तो दूसरे को साइडलाइन भी कर दिया जाता है, तो इस तरीके की मशक्कत इनके सामने आ रही है। उसके अलावा जयपुर शहर में 5 साल में जो स्थितियां तेजी से बदली है वो कभी किसी चुनौती से कम नहीं है, तो उन बदलती हुई स्थितियों के माध्यम से टिकटों की घोषणा की जाए, क्योंकि एक दौर ऐसा था जब किसी भी नाम को लेकर घोषणा कर दी जाती थी तो वो नाम अमूमन पार्टी जुड़ जाती थी, लेकिन अब माइक्रो लेवल पर सर्चिंग हो रही है, कहीं कोई छोटी से छोटी कमी ना रहे, लेकिन आज शाम की इस बैठक में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, आज शाम की बैठक में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, यही वजह है कि सभी की नजर इस बैठक पर ही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।